ये सूखा प्रभावित जो देश है, अभी पहले तो कबूल करें, सरकार कबूल करे कि सूखा आने वाला है। अभी कबूल ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि बजट में कुछ भी नहीं रखा गया। इसका मतलब उनके अभी ये एजेंडे में है ही नहीं कि सूखा जो आने वाला है, और आ चुका है बहुत से प्रदेशों में। मौसम विभाग के माहिर जो हैं उन्होंने बताया है अध्यक्ष जी कि अगर 10% बारिश में कमी आती है तो इसका मतलब 20-40% जो एरिया, जो क्षेत्र है देश का, वो प्रभावित होता है। और इस बार 25% तक बारिश कम होने की आशंका है, ऐसा माहिर बोल रहे हैं। तो इसका मतलब जो एरिया प्रभावित होगा देश का, वो 50-75% होगा। बहुत बड़ा हिस्सा देश का सूखे से प्रभावित हो रहा है, तो इसके लिए फौरी कदम उठाने की जरूरत है। 113 साल में ये जून जो है महीना, 113 साल में सबसे ज्यादा सूखा महीना माना गया है पिछले 113 साल में, ये आंकड़े हैं। और स्टेट और सेंटर में तालमेल की बहुत कमी है। सूखा पड़ता है तो राज्य सरकार जो सेंटर को दोष देती है, और सेंटर कहता है कि ये तो आपका स्टेट का मामला है, इसलिए तालमेल की कमी है। इस तालमेल को बहुत इमीडिएटली ठीक करने की और इसको तालमेल को सही बिठाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, तो पंजाब जब नाम आता है तो हरियाली की बातें चलती हैं। पंजाब का नाम पांच दरिया की धरती, पांच दरिया, पंजाब, पांच दरिया। लेकिन पंजाब की बदकिस्मती ये है कि आजकल हालात ये हैं कि जो जिस स्टेट का नाम पानी पर है, दरियाओं पर जिसका नाम है, उसका पानी ना तो पीने लायक है और ना खेती के लायक है। क्योंकि पीने का जो पानी है उसमें यूरेनियम आ गया है, और खेती जो मालवा क्षेत्र है, धान की वजह से हमारा पानी का जो लेवल है इतना ज़्यादा गहरा चला गया है कि किसान के लिए ट्यूबवेल लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। 450-450 फुट मेरे अपने इलाके में, मेरे अपने गाँव में हो गया है। तो इसके लिए अगर कोई बाकी और जो ऐसी खेती है जिसमें पानी कम यूज होता है, मक्की बीजने के लिए तैयार है हमारा किसान, बाजरा बीज सकता है, सरसों हो सकती है, सब्जियां बीज सकते हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग नहीं है। MSP अगर तय कर दी जाए तो हमारा किसान का धान से हमारा छुटकारा हो सकता है, और हमारी धरती का जो पानी है नीचे जा रहा है वो बच सकता है। वरना पंजाब का जो हरियाणा और राजस्थान के साथ लगता एरिया, वो मारूथल बनने जा रहा है। और घग्गर नदी है जो हरियाणा के साथ साथ बॉर्डर जो है वहां पे नुकसान करती है, खासतौर पे खनौरी, लहरागागा का जो एरिया, मूनक, और ये पूरा सरदूलगढ़, ये पूरा एरिया घग्गर नदी बहुत मार करती है। उसके उसको बाढ़ जब आती है, बरसाती नदी है, लेकिन उस पर अगर डैम बना लिया जाए तो घग्गर का कहर भी खत्म हो जाएगा, और डैम से हमें बिजली भी मिलेगी, और पानी को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। और साथ साथ में जो संगरूर, जिस कंस्टिट्यूंसी से अध्यक्ष जी मैं चुना गया हूँ, ये पंजाब में नंबर वन आता है खेती में, लेकिन बदकिस्मती से जो हाल पिछली सरकारों ने खेती का किया है, कोई प्लानिंग नहीं बनाई, कोई फसलों के भाव नहीं मिल रहे, अब ये संगरूर किसानों की खुदकुशियों में पहले नंबर पर आता है। मूनक तहसील है जो देश में सबसे ज्यादा खुदकुशियां करने के लिए नंबर वन पे आई है, और फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से जर्नलिस्ट आके वहां पे ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं। हमारी सरकारों के पास शायद ये आंकड़े ना हो, ये शर्म की बात है। और मैं आखिर में ये कहूंगा कि किसान के बारे में अगर ये सरकार सोचे तो किसान देश का अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट पालता था, आज खुद भूखे पेट सोने पर मजबूर हो गया। जो बैल के गले में डालने के लिए रस्से थे, जो बैल के गले में घंटी बांधते थे, घुंघरू बांधते थे, वो रस्से अब किसान के गले की फांसी बन चुके हैं। तो इस सरकार को ठीक है, बुलेट ट्रेन की बातें हैं, स्मार्ट सिटी की बातें हैं, लेकिन गाँव को भी स्मार्ट करना है, तो किसान की हालत को सुधारिए। और
स्पेशली खेती पर अगर ध्यान दिया जाए तो खेती प्रधान देश है, इसको खेती प्रधान देश रहने दीजिए। हम अपनी अपने पेट को खुद पालने की, हमारी धरती इतनी अच्छी धरती है, ये मेरे देश की धरती। ताकि आखिर में ये कहूँगा कि 21वीं सदी में हमारे बच्चों को ये ना कहना पड़े कि रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा। पंजाब वो राज्य है मैडम जिसके किसानों ने पूरे देश को अनाज दिया, पूरे देश का पेट पालने वाला किसान मैडम आज खुद भूखे पेट रहने पर मजबूर है, क्योंकि जो धान की फसल इस सीजन में थी सरकार ने वो फसल तो खरीद ली लेकिन उसके पैसों का भुगतान नहीं हुआ। और किसान के जख्मों पर नमक डालने वाली बात ये होगी कि अब गेहूं की फसल को बोने के लिए और पालने के लिए यूरिया की कमी आ गई है, यूरिया भी नहीं मिल रहा, पिछली फसल के पैसे नहीं मिले और अगली फसल को पालने के लिए यूरिया नहीं मिल रहा, ब्लैक मार्केट में बहुत महंगा यूरिया खरीदना पड़ रहा है। इससे कमीशन एजेंटों और किसानों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इससे खुदकुशियों में बहुत इजाफा होता है। मैडम मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा तुरंत किसानों के पैसों का भुगतान किया जाए और यूरिया की अवेलेबिलिटी बहुत सस्ते भाव पर करवाई जाए ताकि किसान जो है सुखद जीवन जी सके और कर्जे से मुक्त हो सके। मैडम मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब जो है हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था, मैं था इसलिए कह रहा हूं कि आज जो किसानों की हालत है वो बद से बदतर हो गई है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जब इलेक्शन की कंपेन कर रहे थे तो पूरे देश में उन्होंने जो दौरे किए लगभग हर भाषण में उन्होंने कहा कि हम 50% की जो MSP में वृद्धि करेंगे, लेकिन 2-4% से ही जो MSP अभी बढ़ाई है 2-4% सिर्फ बढ़ी है, जबकि महंगाई की दर 8% बढ़ती है तो किसान का तो कोई चांस ही नहीं है कि वो अपने जीवन स्तर को थोड़ा ऊँचा उठा सके। 6 लाख करोड़ के आसपास लगभग कॉरपोरेट सेक्टर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी दे दी गई, अगर इसका 10% भी किसानों के लिए रख लिया जाता तो शायद किसानों का कुछ भला हो जाता। मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान खुदकुशियों की ओर दिलाना चाहता हूं। क्यों हो रही हैं खुदकुशियां? क्योंकि फसलों के भाव नहीं मिल रहे और पानी का स्तर पंजाब में इतना नीचे चला गया कि ट्यूबवेल लगाना बहुत पहुंच से बाहर हो गया किसान से, और जो नदियां नालों का पानी है वो प्रदूषित पानी उसमें डालकर काले रंग का पानी पंजाब में, अध्यक्ष जी काले रंग का पानी आता है जो कैंसर बांट रहा है। वो स्टेट वो राज्य जिसका नाम पानियों पर था, 5 आब 5 दरिया, उसका पानी पीने लायक नहीं है और सिंचाई के लायक भी नहीं है। पहले अंग्रेज काला पानी की सजा देते थे लेकिन पंजाब के किसानों को हमारी सरकारें ही काला पानी की सजा दे रही हैं। और जिसमें जो फसल बीमा है, जो फसल बीमा मुआवजा मिलता है उसका तरीका क्या है, पंजाब में 144 यूनिट बनाए हुए हैं, 12,000 से ज्यादा गांव हैं, 90 के आसपास गांव एक यूनिट में आते हैं। अगर आपको मुआवजा लेना है, कोई बेमौसमी बरसात हो गई या ओले पड़ गए, तो कम से कम 35-40% नुकसान होना चाहिए, यानी कि 35-40 गांवों का नुकसान होना चाहिए तब मिल सकते हैं। मैं कहता हूं कि 90 गांवों को यूनिट नहीं मानना चाहिए, 35 गांवों को यूनिट नहीं मानना चाहिए, हर गांव को यूनिट मानना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक गांव की एक साइड में बेमौसमी बरसात हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, दूसरी साइड बच जाती है, तो उसको आप मुआवजे में यूनिट नहीं मानोगे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जो मुआवजा मिलता है वो तो एक किस्म का मजाक होता है, कभी 26 रुपए के चेक, 13 रुपए के चेक, 15 रुपए के चेक भी किसानों को दिए जाते हैं सरकारों की तरफ से। तो जो MSP जो फसलों के भाव जब तय करते हैं तो इसके लिए राज्यों से मांगा जाता है कि आप पटे की कीमत दो कि कितने रुपए में एक एकड़ पटे पर लिया जाता है। तो पंजाब सरकार ने जो दिया हुआ है कि पंजाब में एक एकड़ 13,000 में मिल जाता है, बहुत झूठ है ये। पंजाब में मैं खुद खेती करता हूं, मैं गांव से हूं, 50,000 से कम एक एकड़ आजकल मिल ही नहीं सकता। तो उस आधार से MSP 13,000 के हिसाब से बना दी जाती है। तो हालत ये है अध्यक्ष जी, नए ट्रैक्टर
बिकने आते हैं, पंजाब में ट्रैक्टरों की मंडी लगती है, उसमें बिल्कुल नए ब्रांड न्यू ट्रैक्टर बिकने आते हैं। असल में ट्रैक्टर नहीं बिकने आते, किसान खुद बिकने आते हैं, क्योंकि कहीं से भी उसको कर्ज नहीं मिलता। बच्ची की शादी करनी है या पढ़ाई पर खर्चा हो रहा है बच्चों की, तो क्या होता है, वो कहते हैं जमीन के नंबर दे दो और ट्रैक्टर नया ले लो, महंगे से महंगा ट्रैक्टर ले लो, और 5-6 दिन बाद मंडी में वो ट्रैक्टर कैश 2 लाख या 2.5 लाख का घाटा खा के वो ट्रैक्टर बेच दो, 5-6 लाख हमारे पास नकदी आ जाएगी, चलो बेटी की शादी कर लेंगे। मेरे अपने गांव में जो आज से 15-20 साल पहले बड़े बड़े ट्रैक्टरों वाले जिम्मेदार होते थे, दुख से कहना पड़ रहा है अध्यक्ष जी, के उनमें से आज 2-3 तो साइकिल पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं, और बाकी किसान जो कह जो जिम्मेदार अपने आप को कहलाते थे बड़े जिम्मेदार, बड़े महंगे ट्रैक्टरों वाले, बाकी आसपास के शहरों में लेबर चौक में जाके सुबह खड़े हो जाते हैं, हमें मजदूरी पर ले जाओ, ये हालत हो गई। मेरे अपने गांव की बात मैं बताता हूं, एक किसान ने अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसको कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा था। एक दिन वो शहर में गया कर्ज लेने, 50,000 कर्ज लेके आ गया, घर वालों को बोल दिया 50,000 मुझे कर्ज मिल गया, शादी कर दी बेटी की। 2 महीने बाद वो बीमार हो गया अध्यक्ष जी। जब उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा तेरी एक किडनी कहां है, तो घर वालों ने पूछा कहाँ है, तो उसने कहा जो बेटी की शादी के लिए मैं कर्ज लेके आया था, असल में कर्ज नहीं था, मैंने किडनी बेची थी। किडनी बेच बेच कर शादियां कर रहा है किसान, वो किसान पंजाब का जो पूरे देश का पेट पालता, खुद भूखे पेट सोने पर मजबूर हो गया। कुछ भी सरकारों की तरफ से जो एफर्ट्स नहीं किए गए खेती को बचाने के लिए। तो अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से ये बात सदन में रखना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों को बचाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं ताकि खुदकुशियां जो हैं, जो बैल के गले में डालने के लिए रस्से थे, जो घुंघरू घंटी बांधने के लिए रस्से थे, वो किसान के गले का फंदा बन चुके हैं। आज हालत ये है कि जो किसानों के बेटे हैं वो या तो विदेशों की तरफ जा रहे हैं, अपनी माँ की बालियां बेच देते हैं, या फिर जमीन बेच देते हैं एजेंटों के पास, ट्रैवल एजेंटों के पास कहीं और चले जाते हैं। इराक में पंजाब के 5,000 से ज्यादा पंजाबी इराक में काम कर रहे हैं। इसका मतलब हालत यह है कि पंजाब की स्थिति इराक से भी बदतर है, कि हमारे माँ बाप कह रहे हैं चलो इराक में जाके काम कर लो। तो ये हालत है पंजाब की खेती को बचाने के लिए। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि खेती मंत्री, खेती मंत्रालय ऐसी योजनाएं बनाए ताकि पंजाब दोबारा रंगला पंजाब बन सके। आज पंजाब में गिद्धा भांगड़ा नहीं होता, आज पंजाब में कैंसर, पंजाब में ड्रग्स, और पंजाब में ऐसी हेपेटाइटिस सी और ऐसी बीमारियां गुर्दों की, और छोटी छोटी उम्र के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, पानी पीने लायक नहीं है। इसके लिए किसान को बचाने के लिए इस सदन में मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि बहुत जरूरी और इमीडिएटली ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि उनको फसलों का भाव मिले, उनको किसानों को भी बच्चों को भी उच्च स्तर की एजुकेशन मिले, ताकि वो आगे जाके खेती से थोड़ा निर्भरता उनकी कम हो, किसी और तरीके से कमाई खेती के बिना भी उनको आए। जब देश में अनाज की कमी थी तो पंजाब के किसान ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि देश को आत्मनिर्भर बनाकर खुद वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। कभी कुदरत की मार, कभी किसी कानून की मार, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू ना करने का मामला हो, चाहे वो MSP को खत्म करने का, अभी जो मार पड़ने वाली है वो है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो FCI है, उसने ऐलान कर दिया मैम कि हम 50% कम गेहूं खरीदेंगे पिछली बार से, जिससे बेमौसम में जो बरसात है उसकी मार झेल रहे किसान को और भी ये दोहरी मार पड़ेगी। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये निर्देश दें कि वो पंजाब के किसानों का पूरा गेहूं वो खरीदे, इस कोटे में कमी ना करें, ताकि पंजाब के किसान को बचाया जा सके। इस साल किसानों को दोहरी और तिहरी मार झेलनी पड़ी, पहले यूरिया के लिए मारामारी होती रही, उसके बाद पकी हुई फसल पर बेमौसमी बरसात से नुकसान हुआ, अब जो बची खुची फसल है वो मंडियों में आ गई, तो अब जो FCI का जो कुल्हाड़ी है वो चली है। FCI ने आदेश दे दिया पूरे देश में कि जो दाना टूटा है गेहूं का, अगर टूटा हुआ दाना है कुछ मात्रा में, तो उस पर
₹15 क्विंटल के हिसाब से लगभग उसकी कीमत कम दाम पर उसको खरीदा जाएगा, जिसका सीधा सीधा नुकसान जो है ऑलरेडी बहुत सी मार झेल रहे, कुदरत और कानून की मार झेल रहे किसान को नुकसान होगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे मुआवजा भी जो है हर स्टेट में अलग अलग 150-200 रुपये मुआवजा देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने 50,000 रुपये पर हेक्टेयर दिल्ली सरकार ने किया है, ऐसे मुआवजा देकर किसानों को बचाया जा सके। जब हरी क्रांति देश में आई तो सबसे ज़्यादा योगदान सेंट्रल पूल में अनाज का पंजाब ने दिया, लेकिन हरी क्रांति की वजह से जो उसके दूरगामी नतीजे अभी निकल रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी पंजाब की धरती को हुआ है। और केमिकल जो यूरिया वगैरह या जो खादों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से हमारी सॉयल भी जहरीली हो रही है और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियों की चपेट में पंजाब जो है इस वक्त आ गया है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं माननीय खेती राज्य मंत्री बलियान जी, उनसे कल भी बात हो रही थी कि कुछ ऐसी किसानों को अपग्रेड या किसानों को ट्रेनिंग देने की कुछ अगर प्रावधान कर लिया जाए कि कितनी खाद एक एकड़ में कौन सी फसल के लिए कितनी खाद उन्होंने यूज करनी है, तो इससे बहुत उसका लागत भी कम हो जाएगी जो खर्चा होता है खेती पर, और इससे धरती का भी बचाव हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है, अब सिर्फ पड़ोस के किसान ने कितने बोरे डाले हैं उसको देखकर अगर उसने 2 डाले मैं 2.5 डाल दूंगा, इसकी वजह से मार्केट में वो उसकी कमी आती है। जैसे इस बार यूरिया की कमी के लिए पूरे देश में मारामारी हुई, तो आगे से ऐसा ना हो इसके लिए भी प्रावधान किए जाएं। और जो खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं पूरे देश में, उनको अपग्रेड किया जाए ताकि नए नए बीजों की खोज हो सके, जो जिसके लिए जो कम से कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो सके ताकि हमारी धरती को बचाया जा सके। तो मैं आपके माध्यम से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचानी चाहता हूं कि अंधाधुंध इस्तेमाल रासायनिक खादों का ये धरती के लिए और किसान के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है। इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, एग्रीकल्चर जो हर गांव में जैसे स्कूल में टीचर होते हैं, कोई खेती का भी टीचर ऐसे जैसे बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर करके हमारे नौजवान लड़के लड़कियां बेरोजगार हैं, उनको इन कामों पर लगाया जाए ताकि हम अपनी खेती को अपग्रेड भी कर सकें और वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्शन भी हो सके और नए नए बीजों की खोज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कर सकें। मेरा आपके माध्यम से ये आपके माध्यम से सरकार को ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसान को बचाने के लिए पूरे देश को किसान को उनको अपग्रेड करो ताकि उसके बच्चे भी उच्च शिक्षा ले सकें और वो अच्छी जो जिंदगी वो बसर कर सकें। पंजाब और हरियाणा के बीच पानियों का जो विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। कोई ज़माना था जब राजस्थान को पानी जाता था उसकी रॉयल्टी मिलती थी, वो भी पंजाब को अब बंद हो गई है। ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ मैं थोड़ा उस पर जाना चाहता हूँ। 8 अप्रैल 1982 में कपूरी गांव जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, वो गई थी वहाँ से SYL का जो फाउंडेशन ले किया गया था, उसमें कैप्टन महेंद्र सिंह जी मौजूद थे, मेरे पास उनका है। तो कांग्रेस के समय ये शुरू हुआ है, बिट्टू जी आप प्लीज़ बैठ जाइए, कांग्रेस के समय में ये शुरू हुआ था। उसके बाद 1956 का जो एक्ट था, जो पानियों का एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट भी यूपीए गवर्नमेंट ने की कि अगर दो स्टेटों में झगड़ा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। जब 2004 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने विधानसभा में अध्यादेश लेके आए कि पंजाब का पानी कहीं नहीं जाने देंगे, तो उसको यूपीए गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया मानने की बजाय। इसकी वजह से वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई थी तो एनडीए गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया है कि वो 2004 का जो केस था वो गलत था, वो अध्यादेश गलत था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि पंजाब जो है पानी के संकट से गुजर रहा है मैम, ना तो पीने का पानी पंजाब में रहा है ना ही खेती
खेती के लिए पंजाब में, हालांकि पंजाब का नाम पांच आब पांच दरियाओं पर हमारी स्टेट का नाम है, लेकिन पंजाब के पानियों को बचाने के लिए दोनों पार्टियां सिर्फ राजनीति करती हैं। मैं ये चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए कि किसने शुरू किया, अब कहां तक बात पहुंची, और इन दोनों पार्टियों का जो जो चेहरा है वो दब वो राजनीति का वो सबके सामने आना चाहिए। मैं ये आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पंजाब के पानियों को बचाने के लिए आप संरक्षण दीजिए, आप ये मिनिस्ट्री को लिखिए, आप उनको प्लीज नोटिस दीजिए कि पंजाब के पानियों को बचाया जाए। बहुत गंभीर विषय जलवायु हवा पानी प्रदूषण दा, इहदे विच सब तो ज़्यादा जो करंट टॉपिक है वह पराली दा, और कि पराली दा धुआं जिहड़ा पंजाब दा हरियाणे दा या यूपी दा वो नॉर्थ इंडिया दे विच पोल्यूशन कर दिंदा है। उपसभापति जी मेरा एक सवाल है कि साथों पराली वालियां फसलां बिजवाउंदे क्यों, असी मक्की बीज सकते हैं, असी बाजरा बीज सकते हैं, सूरजमुखी उगा सकते हैं, दालां उगा सकते हैं, पर मार्केटिंग नहीं उन्हां दी, बेचांगे कित्थे मक्की नूं, बाजरे दी MSP है नहीं, MSP आपने उस फसल की दे रखी है जिससे पराली पैदा होती है। अब बड़े मान नाल कहा जाता है इतने हेक्टेयर पे धान उगाया जाएगा जी और इतनी प्रोडक्शन रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो जाएगी चावल की, जे रिकॉर्ड प्रोडक्शन चावल दी होगी तो फिर रिकॉर्ड प्रोडक्शन पराली दी भी तो होगी, कोई ऑप्शन तो दो सानू। पंजाब का किसान पराली जलाना नहीं चाहता, सबसे पहले तो उसी के बच्चों के फेफड़ों में से धुआं निकलता है ना, वो धुआं जो जलाता है वो, लेकिन उसको कोई ऑप्शन तो दे दो। मक्की मक्की बीज लेंगे हम, मक्की बीज एक एकड़ दे विच जिन्नी मक्की हुंदी है मैडम, एक एकड़ दे विच जिन्ना धान हुंदा है जीरी हुंदी है, उहदे विच जो फसल आमदन दे विच फर्क है वह पे कर दो, असी मक्की बीजन लग जाएंगे, पराली पैदा ही नहीं होनी। अब कोई इलीगल फसल तो बीज नहीं रहे ना हम, कि ये फसल तो बैन है भाई, क्यों बीज लिया आपने, आप क्या कर रहे हो, चावल हमसे ले रहे हो और उसके बाद हम पर पर्चा कर रहे हो कि चावल ले लिया अब तेरे पे पर्चा करेंगे, मतलब अपराधी अन्नदाता, अन्नदाता मत क्रिमिनल। सानू फसलां दा बदल दे दो, साड़ी तो धरती चो पानी चला गया। वीके सिंह जी बैठे हैं, जनरल साहब नौ गोविंद सागर झील जितना पानी पंजाब एक धान के सीजन में धरती से निकाल लेता है, 500 फुट 600 फुट पे हमारा पानी चला गया, और आने वाले दिनों में आशंका व्यक्त की जा रही है कि पंजाब मरुथल बन सकता है। हम तो दोनों तरफ से मारेंगे सर, धरती के नीचे से भी हम मारेंगे, धरती के ऊपर हम चावल उगाते हैं तो हम पर पर्चे हो रहे हैं सर, तो मतलब किसान का कसूर क्या है मुझे ये बता दो, आप हमें फसलों का बदल दे दो। इतनी जरखेज धरती है पंजाब की, इतनी उपजाऊ धरती है, कुछ भी बो दोगे उग जाएगा, लेकिन अल्टरनेटिव तो दो ना, सिर्फ एसी कमरों में बैठकर हरे रंग के पेन से ऑर्डर देके नहीं चलेगा सर। मैं खुद भी जिम्मेदारों का बेटा हूं, मैं खुद खेती करता हूं सर, क्या करें उसका पराली के। अच्छा जो आप हैप्पी सीडर ये वो मशीनों की बात कर रहे हैं सर, वो इतनी महंगी हैं, वो आम जिम्मेदार के बस की बात नहीं है, बड़े ट्रैक्टर चाहिए उसके लिए, वो बड़ा ट्रैक्टर भी जिम्मेदार के बस की बात नहीं है, तो करें क्या, जिम्मेदार खुद भी नहीं चाहता। हाँ सुखबीर बादल जो डिप्टी सीएम थे हमारे, वो एक पूरा डेलीगेशन लेके चाइना गए थे कि ये पता करना है पराली से बिजली कैसे बनाता है चाइना, सर कुछ भी नतीजा नहीं निकला, सरकारी खजाने पे बहुत चाइना घूम के आ गए, पराली से बिजली भी बनती है चाइना में तो, हाँ है तो उसको ईंधन के रूप में बरत लो ना, लेकिन हमें बता तो दो, हम पर इतना जुल्म मत करो कि देखो दशहरा दिवाली और पराली ये 20-20 दिन के अंतर में आते हैं, दशहरा 20 दिन बाद, दिवाली 20 दिन बाद, पराली सब धुएं वाले हैं,
अब दिवाली और दशहरा को तो कुछ कह नहीं रहे, पराली को कह रहे हो आप। क्या अरविंद केजरीवाल ने इस बार दिवाली सीपी में लेजर से मनवा दी, लेजर वाले पटाखे चल गए। दुबई में जब फायरवर्क्स होता है तो लेजर वाले पटाखे चलते हैं, उसको तो आप रोक नहीं रहे। अब धुआं भी जात पात में आ गया, कृपया ऐसा मत कीजिए। और नंबर दो पे, ये तो पराली की बात हो गई, चलो ये तो जो भी सरकार फैसला करेगी। नंबर दो पे सर, जो पेड़ काटे जा रहे हैं अमेरिका में कनाडा में, अगर एक पेड़ काटना है आपने इजाजत लेनी है सिटी से, सिटी बोलते हैं वहां पे, यहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल देते हैं, सिटी से इजाजत लेनी है एक पेड़ काटने की, तो उसी प्रजाति के 50 पेड़ पहले आपको लगाने पड़ेंगे, तब एक पेड़ काटने की इजाजत मिलती है। लेकिन यहां सरकार खुद काटती है, चलो जी इस रोड को अब 18 फुट से 22 फुट करना है, सब दरख्त काट दो। लगाने का क्या प्रोग्राम है अभी उसका सरकार का? एमसीडी किसकी है? हम देखिए देखिए आप सीधा, मैडम 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 बोल, एक दिल्ली को ही दे, या दिल्ली को ही देश मान बैठे हैं, जो आता दिल्ली 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 को दे। इनको बिठाइए, पहले बैठिए, आराम से बैठिए बीजेपी जी, बीजेपी जी बैठिए बैठिए बैठिए, बीजेपी जी बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। मैडम मैडम एक एक एग्जांपल देता हूं मैं, पानी की, पानी की, एक एक मिनट, एक मिनट बैठिए, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। एक मिनट देखिए, अपना घर नहीं सर, सर मेघवाल साहब, एक मिनट, मंत्री जी बैठे दिल्ली में, देखिए मैडम, देखिए देखिए देखिए, भाखड़ा भाखड़ा नंगल से भाखड़ा नहर भी निकलती है, सतलुज भी वहीं से निकलता है। देखिए भाखड़ा नहर भी भाखड़ा नंगल से निकलती है, सतलुज भी वहीं से निकलता है, लेकिन भाखड़ा नंगल का पानी नीले रंग का रहता है और सतलुज लुधियाना तक आते आते काले रंग का क्यों हो जाता है? एक मिनट मैडम, एक मिनट मैडम, बहुत पंजाब, देखो पानी पानी के नाम पे हमारा सूबा है, एक घंटी घंटी थोड़ा परहेज करिए प्लीज। अब भाखड़ा नहर का पानी नीले रंग का है, सतलुज काले रंग का क्यों हो जाता है लुधियाना तक आते आते? क्योंकि भाखड़ा में पानी पंजाब से कहीं डलता नहीं है, भाखड़ा से निकलता है, सतलुज में डंपिंग कर रहे हैं, बुड्ढा नाला ये वो। थेम्स रिवर है लंदन में, लंदन में थेम्स रिवर है, बहुत पोल्यूटेड था क्योंकि उसमें सीवेज का पानी जाता था, उन्होंने सीवेज प्लांट के ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए और थेम्स रिवर में जो पानी सीवेज का डलना बंद हो गया। आज थेम्स रिवर जो है लंदन की कमाऊ नदी है, वहां पर क्रूज चलते हैं फ्लोटिंग, ऐसी सेन रिवर है फ्रांस में, उन्होंने भी अपनी पोल्यूटेड नदी को कमाऊ नदी में कन्वर्ट कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बाबा सीचेवाल, बाबा सेवा सिंह हैं ऐसे वातावरण प्रेमी जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता। आखिर में गुरु नानक देव जी का 550वां हम प्रकाश पूर्व मना रहे हैं, उनकी उन्होंने तो बहुत सी बानी रची, लेकिन अगर एक लाइन पर भी अमल कर लें पूरी दुनिया का क्लाइमेट बच सकता है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, हवा पवन उसको गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा, अगर ये तीनों दर्जे हम कायम रख पाए तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट बच सकता है।